तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एक बंदा है जोगी ढेर का, जो CBH के पास में पढ़ता है, वो सोशल मीडिया पर आकर एक जो है बहुत उल्टी सीधी वीडियो अपलोड करता है, मजहब इस्लाम के बारे में बहुत उल्टा सीधा कमेंट करता है। तो मेरा ये कहना है आपसे कि वो बंदा तो हो चुका है फरार, उसके खिलाफ जो है कंप्लेन भी हम लोगों ने जो दर्ज कर दिए। मेरा आप लोगों से ये कहना है, अगर वो बंदा कहीं दिखे जल्द जो है पुलिस के हवाले कर दिया जाए, और जो है हम कुछ नहीं चाहते, बस हम इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि उसने जो है डायरेक्टली मजहब इस्लाम को लेकर एक तरली मजहब इस्लाम को जो है गाली बकी है, मुसलमानों को गाली बकी है। तो हम कुछ नहीं चाहते, बस आप लोग कुछ मत करो, बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। जो आप स्क्रीन पे ये बंदा देख रहे हो, यही वो बंदा है जिसने जो है मजहब इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा बकाया और गाली दी है। तो आपको का काम ये है सिर्फ वीडियो शेयर करना, ताकि वो बंदा जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो भाई ये है सीबीगंज थाना, अंदर से आए, क्या बात हुई है दिखाते हैं मैं आपको। अपने घर चले जाओ, जरूरत पड़ी सबको सुबह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, सुबह सब आना, सब लेके आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो, गिरफ्तारी हो गई तो सब लोग अपने अपने घर पर। फोटो दिखला दो, फोटो हजरत इधर दिखला दीजिए एक बार फोटो। तो भाई ये तहरीर है, अरे समीर ठीक भेज रहा है, दूसरे पेज के, दूसरे पेज एक सामने खड़े हो जाओ, एक एक करके ले ले, एक एक करके ले लो, अभी जाएंगे अभी भैया। भाई मैं आपको फुल फोटो दिखा रहा हूँ, जो है हमने जो है अभी FIR दे दी है, और जो पास पास के गांव के लोग हैं वहां के भी लोगों ने FIR दे दी है। अब जो FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन जो है अब देखते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है आगे। भाई वैसे हम 7 बजे आए थे यहाँ पर, लेकिन 7 बजे से जो है अब कार्रवाई हुई है, और सुबह के लिए बोल दिया, देखते हैं सुबह क्या होता है भाई। तो जो है अब पब्लिक जो है सारी वहाँ से चली आई है, और बाकी जो है सुबह को जो है दिखाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे अब ये गाड़ी जा रही है पुलिस की आगे, जीप जो है देखते हैं क्या होती है कार्रवाई, जो गिरफ्तार करने जा रहे हैं, देख रहे हैं सारी लोग जो गाड़ी से जा रहे हैं, और पीछे जो गाड़ी दिख रही है, जो सब जो वहीं पर के लिए जा रहे हैं, जोगी ठेर के लिए, उस लड़के के घर के लिए। आगे जो है पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, और यहाँ पर जो है सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं, कि देखते हैं कि गिरफ्तार किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इसलिए जो है सब लोग यहाँ पर जमा हो गए, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं गाड़ी के पीछे, और बाकी आगे भी वीडियो दिखाते रहेंगे आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वालेकुम अस्सलाम, आ गए भी है, आप ये देख रहे हैं ये जीप तो आ चुकी है फिलहाल में, जी देख रहे हैं जा रही है। अब ये देखते हैं आगे होता क्या है, गिरफ्तारी होगी उसकी या ना होगी।